पूर्व प्रधान शमशेर अली जी, प्रधान प्रतिनिधि इंदु सिंह जी, कृष्ण लाल जी, एसीओ साहब, सम्मानित मंच, तमाम पीटीआई बंधु, ग्रामवासियों, पत्रकार बंधुओं, सभी खिलाड़ी, स्थान हुई है, स्कूल हुई है, ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट थे मैडम ये पहले, आज जिला स्तरीय है। मार्च पास्ट जो चल रहा था, ब्लॉक स्तरीय मार्च पास्ट भी देखा, आज भी महसूस किया, वाकई में टीमें जिला स्तर पर खेलने आई। खेल एक जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को इससे जुड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हार जीत मैदान तक सीमित है, वो हार जीत, हारना जीतना, हारना जीतना आपको मजबूती प्रदान करेगा। टूर्नामेंट कितने दिन चलेंगे? छह दिन चलेंगे, और छह दिन में छात्र छात्राएं सभी जो अपने ब्लॉक पर प्रथम अव्वल आए हैं वो यहाँ भाग लेंगे। भामाशाह द्वारा व्यवस्था की जा रही है, सरकार की तरफ भी व्यवस्था है। एक खिलाड़ियों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ है, पिछले दो साल से जब से ये ग्रामीण ओलंपिक शुरू हुए हैं, निश्चित रूप से कई प्रतिभाएं ऊपर के सामने आएगी। हम गांव में पिछली बार काफी ब्लॉक स्तर पर गए थे, विधान पंचायत स्तर पर, गांव के लड़के भी काफी संख्या में खेले थे, जिन्हें स्कूल छोड़ दी, व्यापार करने गए या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वापिस रुचि एक खेल की तरफ जगी है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक अद्भुत नजर आपको इन खेल के दिनों में आपको मिलेगा। बरसात का बढ़िया हो चुकी थी, फसलें बढ़िया थी, अब भली कमी महसूस हो रही बरसात की, परंतु तो जिन दिनों में ग्रामीण ओलंपिक चल रहे थे पंचायत स्तर पर, वाकई में हमने चार पांच जगह जाने का मौका मिला। एक गांव में एक मिलने सा माहौल महसूस कर रहे थे। मैं तमाम यहाँ जो इंचार्ज हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, उन तमाम को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा कि आने वाले छः दिनों तक व्यवस्थित तरीके से आप अपनी व्यवस्था को चलाएं। जहाँ कहीं हमारी जरूरत हो हम भी आपके बीच में हाजिर रहेंगे, कोई समस्या हो तो आपको समाधान करेंगे, जिसके सिर्फ कहना कहेंगे, ताकि जिला स्तरीय टूर्नामेंट प्रथम बार हो रहे हैं, इसका एक संदेश पूरे जिले में जाना चाहिए और जिलेवासी महसूस करें कि वाकई में छह दिन व्यवस्थित तरीके से टूर्नामेंट चले, व्यवस्थित तरीके कार्यक्रम किए, इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से खेले, तमाम जो निर्णायक बंधु है एक व्यवस्थित तरीके से एक न्याय सीमा में रह करके अपना निर्णय प्राप्त करें, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, ताकि एक भावना बढ़ती, एक श्रद्धा बढ़ती है उस रेफरी के प्रति, वो कायम रहे। आपने हमें याद किया, मान सम्मान किया, पूरे इस आयोजककर्ताओं का, तमाम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।